मेरी बात सोचता भी रहेगा और मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड राहुल का भी। पल्लवी कॉफी चढ़ाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं। कॉफी लेके आती, मैं फिर बैठ के पीते। मैंने कुछ बात करनी थी तो मैंने कहा बैठ बैठ के पी लेंगे। हाँ बोलो। मैं ये कुछ बता रहा था मेरे को तेरे को। इसकी तो ज़्यादा बदतमीजी करने लगा आज की, पता है? मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूँ, बट लेकिन आई हैव टू टेल यू दिस बट आई डोंट नो हाउ टू से इट। मुझसे तो बोल दूँ बट लेकिन पता नहीं तू कैसे रिएक्ट करेगी इस चीज़ को लेके, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात होगी, ऐसी रिएक्शन आएगा और क्या होगा। मैं ये बोला था पल्लवी कि लड़ो एक मिनट ना, बात सुनना, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। आई एम लिसनिंग, कानों से सुन रहा ना। मैंने ये बोला था कि प्यारी बच्ची है, सुन ही नहीं रही, मैं कैसे बताऊंगा तेरे को, तो ध्यान ही नहीं दे रही सर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मैंने बोलो, इतना क्या है, कोई कांड करके आए हो? आई एम गे। क्या मैं क्या बोला? मुझे पता था तू हंसेगी इस बात को, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। आई एम गे पल्लवी। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा? यू थिंक आई एम जोकिंग? तुझे तभी तू ऐसे हंस रही है, तुझे लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? क्या करूँ, मुझे तेरे को पता, मुझे पता था तू इस बात को बिलीव नहीं करेगी, नहीं मेरे पर मजाक उड़ाएगी, तुझे लगेगा पता नहीं फिर से कोई मजाक कर रहा है या प्रैंक कर रहा है, जो भी तेरे को दिमाग में अभी ये चल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीधे तेरी फोन पे ही बात करवा देता हूँ, बात खत्म। अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करता हूँ, तेरी सारी डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड राहुल। तो बात कर ले पहले, फिर मजाक करते हैं बाद में। तेरे को मजाक लग रहा है ना, मैं तेरी बात करवा देता हूँ। मैं फोन स्पीकर पे रखूंगा, तू पूरी बात सुन लेना। राहुल, मैंने ना बता दिया वाइफ को हमारे बारे में। बता दिया आपने? मैंने बता दिया। कब बताया आपने? मैंने आज ही अभी जस्ट बात करके मैंने क्लियर कर दिया, मैंने सब बता दिया। वो अभी स्पीकर पे है, उसको बिलीव नहीं हो रहा कि मतलब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा मैं फ़ोन पे रखता हूँ उसको स्पीकर पे, तू बता दे जो तेरे दिल में है सब बात बोलते हैं आज। वो सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ वो सुन रहे हैं। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो बोलो आप बोलो। वो सुन रहे हैं, वो बात नहीं करेगी तुमसे लेकिन वो सुनेगी सब। सच काफी टाइम से ना एक दूसरे के साथ हम रिलेशन में हैं, तो जब आप लास्ट टाइम जब आप अपने घर गए हुए थे ना सैटरडे को, तो क्या है ना मेरे को ना अर्पित ने घर पे इनवाइट किया हुआ था, तो वहाँ हम काफी ड्रंक हो गए थे। तो बस 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 इसके आगे नहीं राहुल, इसके आगे मत बता दो कुछ, इसके आगे मत बता, बाकी बात आपको शर्म आती है। बस 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 क्लियर करना चाहता था बातें, मैं तेरे को बताना चाहता था कि मैं वो नहीं हूँ जो तू सोच रही है, मेरे अंदर एक और शैतान बसता है, मैं वो नहीं था जो तूने मुझे ऐसा सोचा। बोलो भाई, तेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक सेकंड समझने की कोशिश कर, तू ही मुझे समझेगी तो कौन समझेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे नहीं आइडिया था, एक अलग सी एनर्जी निकली बाहर और मुझे नहीं पता लगा। उस रात मैं और मेरा जो बॉयफ्रेंड है, हम लोग जिस दिन तुम घर गई हुई थी तो मैंने उसको बुलाया हुआ था,
रात को, और उस दिन मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया था, तूने बोला था अगले दिन की तरह फ़ोन क्यों बंद था, मैंने कहा कि मैं रात को ज़्यादा ड्रंक हो चुका था, या मतलब हम रात को मुझे नहीं पता लगा यार। और मैंने गलत कर कहा, मैं सीधे चल रहा था, मेरी डायरेक्शन टेढ़ी होगी, मुझे नहीं पता लगा वो कैसे हुई क्या हुआ, आई डोंट नो। ये सबसे पहले बात आज मैं तेरे से कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बाकी किसको क्या बोलूँ कैसे समझाऊँ, अब मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है, बस यू जस्ट हैव टू बी विद मी, तुझे मुझे छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज आई लव यू और लव इज समथिंग, तेरे को अब इस सिचुएशन में मेरे को सपोर्ट करना है, मैं बस ये चाहता हूँ तेरे से कि तू मेरे रिश्ते की बनक किसी को मत होने दे, और इस जो हमारा रिश्ता है इसको एज ए मतलब इसको एक एक्टिंग की तरह लेके चल पूरी जिंदगी, हम दोनों का रिश्ता है उसको हिडन रख लोगों के सामने, और मेरा जो एक अलग से रिश्ता है उसको लोगों के सामने मत पता लगने दे। मेरी बात सुन, ये टाइम भागने का टाइम नहीं है, ये टाइम है मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने का, उसको अंडरस्टैंड करने का, हम दोनों की फीलिंग को अंडरस्टैंड करने का, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, ये ही एक टाइम है जहाँ तुझे मुझे अपना सच्चा प्यार दिखाना है, यहाँ तूने मुझे अपने सच्चे प्यार की ताकत दिखानी है, लव कुड बी वन साइड, तू मुझे एक साइड से प्यार कर, दूसरी साइड से वो कर लेगा मुझे प्यार, शाबाश बेटा, प्लीज पल्लवी, जो भी है हमारा रिश्ता, जैसा भी हमारा रिश्ता है, जो भी है, चाहे इसको जो नाम दिया जाए, बट लेकिन रिश्ता तो है ना, इस रिश्ते को मत ऐसे खत्म कर, तूने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं झूठ नहीं बोलता, तेरे से मुझे बहुत प्यार मिला है, लेकिन राहुल से मुझे एक अलग चीज मिली है, उसने जो मुझे दिया है वो एक नेक्स्ट लेवल दिया है उसने मुझे, कैसे कैसे बताऊं तेरे को, राहुल हमेशा टच कर लेता है उन चीजों को, उन फीलिंग्स को मेरी, तो जहां पे कोई नहीं पहुंच पाता वहां वो पहुंच जाता है, मेरी फीलिंग्स को उस तरीके से टच करता है, आई नो यू आर अपसेट पल्लवी, आई नो तेरे को बुरा लग रहा है, बट लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं सीधे रास्ते नहीं चल सकता, मेरा रास्ता टेढ़ा हो चुका है पल्लवी, मेरा रास्ता टेढ़ा हो चुका है, प्लीज यार मत कर ऐसे यार, डोंट क्राई, मेरी बात सुन, तेरा मेरा रिश्ता भी रहेगा, और मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड राहुल का भी, राहुल का भी रिश्ता रहेगा, आए कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू, ऐसे चुप चुप सी है, say something Pallavi, say something, please don't cry, हिम्मत कर ऐसे यार, बात तो कर कुछ मेरे से, ऐसे चुप रह के कुछ नहीं, मेरी बात सुन, कहा तुमको जो करना है करो, मेरे को कुछ नहीं बोलना, प्लीज मत करो, दर्द हो रहा है, अच्छा मेरी बात तो सुनो, मत करो, why are you running, ये ऐसे कहां जाएगी अंदर, तेरे को मेरी कैसे माइक में डाल दिया, पल्लवी ऐसे थोड़ी ना तरीका होता, तू अचानक से बैग पैक करके शुरू हो जाती है, ये थोड़ी ना बात होती है कोई यार, तुम्हें जो करना है करो, मैं ना थक गई हूं ना, मेरा कुछ बोलने का दिल, बट मैंने ऐसा किया क्या, मैंने तेरे को सीधी बात क्लियर की, मैं तेरे को नहीं बोलूंगा, तुम्हें कब तक ये झूठ साथ लेके चलूंगा, मैंने कहां खज्जल किया तेरे को, मैं तेरे को खज्जल कहां किया, मैंने तेरे को सीधे मुंह पे बोला जो सच बात है, मजाक है, कभी बोलते हो मैं एक्स के साथ जा रहा हूं, कभी बोलते हो ये है, कभी बोलते हो मेरी नई गर्लफ्रेंड है, बात तो सही है, अब बोल रहे हो मैं गे हूँ, तुमने मजाक बना के रखा हुआ है, मेरी कोई लाइफ है, मेरी कोई, हाँ मैंने मजाक बनाया, मैंने बनाया मजाक, ये प्रैंक था, मैंने मजाक बनाया था तेरे साथ, सो गाइस अभी इसका मूड ठीक करने के लिए मैंने कॉफी बनाई हुई है, थोड़ा बेटर फील करे, अब बेटर फील कर रही है, कैसा लगा मेरा प्रैंक, मुझे लगा तो मुझे पकड़ लेगी, पकड़ा ही था मैंने,
कहाँ पकड़ा तूने? इसने मुझे पकड़ लेना था, इसीलिए मैंने कॉलिंग करके जैसे तैसे थोड़ा सा ना सिचुएशन को और सीरियस किया, अदरवाइज में हाँ इंटेंस कर दिया। अदरवाइज में अगर फ़ोन नहीं करता तो डेफिनेटली ये इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती। ये सारा प्लान किया था मैंने और बस लाइक क्या करूँ, तेरे को कुछ समझ आ रहा है तेरे को कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है? ये बोरिया बिस्तरा पैक करके निकलने वाली तैयारी कर रही थी अपनी, इसका था कि अब बस निकलो, अब तो बिल्कुल नहीं रखा ना इस घर पे कुछ में। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ गाइज। इफ यू लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए लव यू ऑल, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, एंजॉय द लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।